तो भाई छोटों को हेलो, बड़ों को प्रणाम, सभी दर्शकों को अपनी राम राम। तो नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो अभी जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ तो वो है यहाँ पे ग्रेनेरो कंपनी से, जो कि यहाँ लगा हुआ है। तो अभी जो भी आप मेरी ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं, जो भी साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं, तो वो इसी माइक से आ रही है। तो वैसे तो ये माइक काफी ज्यादा सही है, पर अगर मैं आउटडोर वगैरह शूट करता हूँ तो वहाँ पे इसमें काफी ज्यादा मतलब नॉइजी या फिर काफी ज्यादा मतलब बाहर की भी साउंड आती है, तो उस केस में कई बार मतलब ऑडियो ब्रेक भी होता है। उस वजह से मतलब मैंने सोचा कि भाई माइक को थोड़ा अपग्रेड कर लिया जाए। तो जो भी अपना यहाँ पे महंगा मामला है तो वो महंगा मामला इस बॉक्स में है। तो अभी तक जो अपनी जियान जैसी आवाज आ रही थी, तो देखते ये सोनू निगम जैसी आवाज में कन्वर्ट कर भी पाता है या नहीं। तो यार वैसे तो इसका प्राइस देख के मेरी आवाज ही चली गई थी, पर क्या करें, इन्वेस्टमेंट भी तो जरूरी है, सो इट्स टाइम टू अपग्रेड। तो अभी तक मतलब मैंने बहुत सारे माइक यूज किए हैं। तो वैसे मैंने बिना माइक के भी शूट किया है, वायरलेस माइक भी यूज किया है, वायर वाला भी किया है मैंने। मतलब 180 रुपए से लेके अराउंड अभी ये 27-28 हज़ार का माइक है, ये भी मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये जो माइक है वो मैक्सिमम मतलब बड़े यूट्यूबर यूज करते हैं। तो अभी अपने बॉक्स को बुलाते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे बॉक्स, तो चलो इसको एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसमें से निकला ये वाला बॉक्स, ये ओपन टाइप का ही लग रहा है पहले से, भाई स्कैम ना हो जाए, काफी महंगी चीज है। तो इसका अगर आप बॉक्स देखोगे तो काफी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का ये बॉक्स है, और इस पे यहाँ पे लिखा है 1 ईयर वारंटी विद बिल। तो वैसे ये थोड़ा मतलब हैवी वगैरह भी है, जैसे मेरी हैवी बॉडी है। जो भी इसकी सारी डिटेल्स वगैरह है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये सब इसमें चीजें हैं। तो ये एंड्रॉयड और आईफोन मतलब दोनों डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल है। अभी इसको बस अनपैक करने का टाइम आ गया। तो भाई ये आ गया यहाँ पे अपना माइक, जो कि है DJI कंपनी का। अभी जो जो उसके फीचर्स वगैरह वो आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ। 250 मीटर की मतलब ट्रांसमीटर की रेंज है, ड्यूअल चैनल रिकॉर्डिंग, तो इसमें दो अलग अलग माइक हैं, दोनों में अलग अलग रिकॉर्डिंग हो सकती है। अप टू 14 आवर्स ऑफ ऑन बोर्ड मेमोरी, वाइड कंपेटेबिलिटी जैसे कि कैमरा के साथ, आईफोन के साथ और एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ, और 15 आवर की इसकी बैटरी लाइफ है। तो इसमें अंदर भी लिखा हुआ है कि बॉक्स में क्या क्या आपको मिलता है। अभी मैं आपको इसके कंटेंट वगैरह का थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें एक चार्जिंग केस है जिसके अंदर अपने माइक वगैरह हैं, रिसीवर है, फिर इसमें कैरिंग पाउच है, एक पाउच है जिसमें आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। पोर्ट सी अडाप्टर है मतलब कैमरा वगैरह पे माउंट करने के लिए, इसमें एक अडाप्टर भी दिया हुआ है। विंड स्क्रीन है मतलब जिससे विंड नॉइज वगैरह कम हो जाएगी। फिर मोबाइल फ़ोन अडाप्टर है जिससे आप मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, एक एंड्रॉयड के लिए और एक आईफोन के लिए। कैमरा ऑडियो केबल है, चार्जिंग केबल है, एक चिप मैगनेट है, इंडक्शन मैनुअल वगैरह है। तो सबसे पहले आता है ये वाइट वाला बॉक्स टाइप। तो इसमें अपना मेन पाउच, तो ये इसका एक पाउच है जिसके अंदर आप इसे रख सकते हो। क्वालिटी बढ़िया है इसकी भी, और इसके अंदर मतलब दो कंपार्टमेंट हैं, और ये यहाँ पे यूज़र मैनुअल वगैरह है, और ये मतलब इसके स्टिकर वगैरह हैं। अभी देखते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है। तो इसमें ये चार्जिंग केबल है जिसके साथ आप केस को चार्ज कर सकते हो, या फिर अलग अलग ट्रांसमीटर और रिसीवर को भी चार्ज कर सकते हो। और ये चार्जिंग केबल मतलब टाइप ए टू टाइप सी है। उसके बाद आ गई यहाँ पे ऑक्स केबल, ये मतलब कैमरा के साथ कनेक्ट करने के लिए काम आती है। ओहो, अच्छा भाई इनको कैसे पता लग गया कि मेरा इतना हेयर फॉल होता है, तो इन्होंने अलग से बाल भिजवा दिए। ये मतलब विंड स्क्रीन है, इसको आप उस पे माइक पे लगा सकते हो, तो ये विंड नॉइज को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर देगा। तो यही सब इसमें कंटेंट था। तो यहाँ पे आ गया अपना माइक, तो भाई काफ़ी हैवी एंड रगेड है ये, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें पोर्ट है मतलब जहाँ से आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग है। तो अभी इसको ओपन करता हूँ एक बार। तो ये यहाँ पे आ गया मतलब चार्जिंग इंडिकेटर, ये दोनों ही ब्लिंक हो रहे हैं, तो ये मतलब इससे कनेक्टिविटी के लिए, पेयरिंग के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और ये यहाँ पे अपना रिसीवर, इसमें यहाँ पे तीनों की चार्जिंग आ रही है, ट्रांसमीटर की भी और रिसीवर की भी। अभी इसको बारी बारी से दिखा देता हूँ। अभी जैसे ये वाला माइक निकाल लेते हैं, तो इस पर भी DJI की ब्रांडिंग है, काफ़ी बढ़िया है यार, काफ़ी कॉम्पैक्ट टाइप का है ये। इसमें पीछे मतलब ये क्लैंप है, इसके साथ मैं इसको यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ, और ये एक मैग्नेट है, इसको भी अगर मैं कनेक्ट करके दिखाऊँ, देखो जैसे मैंने माइक अंदर लगा दिया और ये यहाँ पे हो गया, तो आप देख सकते हो ये किस तरह से मतलब सेट हो गया। तो ये गिरेगा तो नहीं भाई, इसका तो पता लग गया। अभी मैं इसको वैसे करके देखता हूँ, तो वैसे ही दिखने में कुछ ऐसा लगता है। ये भाई ये इसका तो मतलब बाप ही लग रहा है।
तो आप इसको अंदर की साइड पे लगा सकते हो। देखो अभी ये ऐसे लग गया, तो ये आ गया अपना ट्रांसमीटर, और ये ट्रांसमीटर इसमें दो आए हैं। अभी आ गया यहाँ पे मेन अपना जो रिसीवर है, रिसीवर के अंदर ही कुछ अलग अलग मतलब सेटिंग्स हैं, मैं आपको अभी थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये इंग्लिश है, अब इस साइड करोगे तो बाकी सारी लैंग्वेज वगैरह आ जाएंगी। ये तो पता नहीं भाई, अब्बा जब्बा डब्बा, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपनी इंग्लिश। अभी बढ़ते हैं आगे, 5/12/2024 आज की डेट है। ये 1/2/1/2 ये पहला ट्रांसमीटर, ये दूसरा, और ये साथ में बैटरी भी दिखा रहा है। मैं आपको ये दो चीज़ें और दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे आईफोन के लिए मतलब वो है कनेक्टर, तो ये लाइटनिंग पोर्ट वाला है। वैसे मेरे पास आईफोन 15 है तो उसमें तो सी टाइप ही लगता है। तो यहाँ पे एक दूसरा भी है जो कि एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए या फिर नए वाले आईफोन के लिए है, जो कि सी टाइप है। अभी मैं इसको कनेक्ट करके भी देखूंगा, कोई एक मतलब मैं ट्रांसमीटर यूज कर लूंगा। अभी ये देखो, पहले दो दिखा रहा था, अभी दिखा रहा है इसमें वन। तो ये वन, ये फर्स्ट वाला ट्रांसमीटर है। अब इसको ऊपर अटैच करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ गाइस। ये है तो कुछ ऐसे ही, मैं इस पर अपना जोर लगाना नहीं चाह रहा, कहीं यहीं पर बिखर जाए। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। तो यार काफ़ी मतलब जद्दोजहद के बाद मैंने इसको अटैच कर लिया यहाँ पे। थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि भाई महंगी चीज़ है, अगर आपको मतलब कैमरा के साथ अटैच कर रहे हो तो उस टाइम पे ये काम आएगा आपको, इससे आउटपुट वगैरह मतलब आप सुनना चाहते हो अगर रिकॉर्डिंग के टाइम में। तो ये देखो यहाँ पे वन से कनेक्ट हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें ये लाइट भी ब्लिंक हो चुकी है, तो ये कनेक्ट हो गया। यहाँ से पावर ऑन ऑफ का है, यहाँ से इसकी चार्जिंग का है, ये ट्रांसमीटर में मतलब पेयरिंग करने के लिए, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब ऑक्स केबल वगैरह लगाने के लिए, ये यहाँ पे माइक है, और ये यहाँ पे मतलब चार्जिंग है, ये पावर ऑन ऑफ है। तो अभी मैं इसको एक बार अटैच करता हूँ और अपने ये करंट माइक को हटाता हूँ, तो आपको ऑडियो का भी अंदाज़ा लगेगा कि कैसी क्या आ रही है। तो अभी मैं निकालता हूँ एक बार। तो अभी जो मेरी आवाज़ आ रही है ये बिना माइक की आ रही है। तो चलो अभी एक बार लगाते हैं अपनी डिवाइस पे। अभी मैं अपने माइक को भी यहाँ पे एक बार लगा लेता हूँ। तो यार बड़ी जद्दोजहद के बाद मैं इस माइक को कनेक्ट कर पाया हूँ। तो अभी जब भी ये इसमें रेड लाइट ब्लिंक होगी तो मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें जो क्लिप लगी हुई है इसके साथ मैं इसे अटैच भी कर लेता हूँ। तो अब इसको इजीली मतलब अपनी शर्ट पे, अपनी टी शर्ट पे आराम से अटैच कर सकते हो। मैं इसको अंदर की साइड भी कर लेता हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हो, इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक और चीज़ है, एक और कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे मैग्नेट है, मैं इस मैग्नेट को उतारता हूँ। तो माइक को कर लेते हैं अंदर की साइड और यहाँ पे लगा लेते हैं अपना मैग्नेट। तो अब भी ये मतलब अटैच हो गया, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखाई देगा ऐसे केस में। तो अभी जो भी साउंड क्वालिटी आ रही है वो मेरे DJI के माइक से आ रही है। मेनली मैंने आउटडोर के लिए लिया है, तो मैं बहुत बार व्लॉग्स वगैरह भी बनाता हूँ तो उसके लिए मैंने ये लिया है, और कई बार जैसे पॉडकास्ट वगैरह शूट करने रहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा काम आएगा। तो अभी इसमें लगा लेते हैं विंडस्क्रीन यानी कि डेड कैट फिल्टर, तो इस पर अटैच हो गया इजीली। तो अभी आप बताना कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी क्या आ रही है। तो यार मतलब मुझे तो ये माइक तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ, बहुत टाइम से मतलब अपनी ये बकेट लिस्ट में था, तो ये बकेट लिस्ट भी पूरी हुई। तो अभी मैंने एक बार फ़ैन ऑन कर दिया है, तो फ़ैन ऑन करने के बाद भी देखते हैं कि कैसी क्या इसकी ऑडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी है। तो अभी फ़ैन ने अपनी स्पीड पकड़ी है धीरे धीरे, तो आप अभी बताना कि इसमें मतलब ये कितनी क्या प्रेस कर पा रहा है इसकी मतलब फ़ैन की नॉइज़ को भी। तो अभी चलते हैं इसका एक बार आउटडोर टेस्ट करने के लिए, उसकी मैं वहाँ पे इसकी डिस्टेंस भी दिखाऊंगा कि कितनी डिस्टेंस तक मतलब इसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो यार अभी मैं आ गया हूँ आउटडोर में, यहाँ आउटडोर कंडीशन में देखते हैं कि इस माइक की आवाज़ कैसी आ रही है। तो मैंने अभी माइक को कर लिया यहाँ पे कनेक्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब व्हीकल वगैरह भी आ रहे हैं, लोग बाग भी जा रहे हैं, तो उस केस में देखते हैं कि इसकी कैसी क्या साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी आती है। अभी मैं थोड़ा डिस्टेंस पे जाता हूँ और देखते हैं कि इसकी आवाज़ कहाँ तक आती है। तो थोड़ा सा चल लेता हूँ, तो इसकी वजह से अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये अराउंड 250 मीटर यानी कि 250 मीटर तक की इसकी मतलब वॉइस को ये कैप्चर कर सकता है, साउंड को कैप्चर कर सकता है। अभी देखते हैं मेरी आवाज़ कहाँ तक जाके मतलब ब्रेक हो रही है। तो इसकी ऐसी कुछ मतलब इसकी साउंड क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी है, और इतनी कुछ इसकी रेंज है, जहाँ तक जाके मेरी आवाज़ मतलब आनी बंद हो जाएगी तो इतनी ही इसकी रेंज है हम कह सकते हैं, वो इस जहाँ पे ब्रेक होने लगेगी। तो मुझे नहीं पता यहाँ तक आवाज़ आ रही है या नहीं। तो अभी मैंने इस पे दिखाई ये डिस्टेंस के कितनी डिस्टेंस तक मतलब ये वॉइस को या साउंड को कैप्चर कर पाता है, तो आपको भी थोड़ा आइडिया लग गया होगा। यहाँ कंडीशंस में मतलब इस चीज़ का भी पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे मतलब कैसी क्या नॉइज़ वगैरह को ये कैंसिल करता है या नहीं। अभी मैं आपको एक बार
वो डेड कैट फिल्टर या फिर विंडस्क्रीन लगा के भी दिखाऊंगा और फिर देखेंगे कि इसकी वॉइस में कितना क्या डिफरेंस आता है। तो भी ये आ गया अपने पास डेड कैट फिल्टर यानी कि विंडस्क्रीन, तो इसको भी देखते हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ पाएगी। तो भी मैंने इसको कर लिया कनेक्ट, तो भी जो भी मेरी साउंड आ रही है, जो भी वॉइस आ रही है, वो आ रही इस माइक से डेड कैट फिल्टर के बाद। अभी मैं इसको अटैच भी कर लेता हूँ, तो अभी देखते हैं कि ये कितनी क्या साउंड को, वॉइस को, नॉइज़ को सप्रेस कर पा रहा है। तो अभी जो भी मेरी आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, वो इस डेड कैट फिल्टर लगने के बाद आ रही है। तो आपको इसका भी आइडिया लग गया होगा, शायद ये अच्छी खासी मतलब नॉइज़ को रिड्यूस कर पा रहा होगा। तो ये था अपना माइक जो कि है DJI का माइक। तो इसकी ये थी कुछ साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी। अभी मैं जैसे ही बाइक पे चलूँगा तो उस केस में भी आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी सुनाई देगी, तो उस केस में भी आप बताना कि आपको कैसी का साउंड क्वालिटी आ रही है। तो भाई दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ बाइक पे, तो बाइक से आप मेरी मतलब साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं कि कैसी क्या आ रही है। अभी मतलब विंड नॉइज वगैरह भी है और बाइक चल रही है, तो जो भी व्हीकल वगैरह आएंगे साइड वगैरह में तो उनकी भी आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि कितनी क्या मतलब नॉइज़ को सप्रेस कर पा रहा है, विंड को सप्रेस कर पा रहा है। तो इसकी क्वालिटी मतलब कुछ ऐसी कुछ आती है अगर आप मतलब ट्रैवल करते टाइम या फिर मतलब बाइक वगैरह से आप इसको रिकॉर्ड करते हो इसके साथ। तो यार अभी बात कर लेते हैं इसके मतलब प्राइस की कि ये मुझे कितने का क्या पड़ा। वैसे इसका मतलब जनरली अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस अराउंड 30-35 के उसके बीच में रहता है। तो मेरे को ये कितने का पड़ा, अभी चल रही थी मतलब अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे सेल, तो अमेजोन से मैंने इसको बाय किया है, तो ये मुझे मिला 26K यानी कि 26,000 का। और इस प्राइस में ये काफ़ी ज़्यादा सही माइक है, सबसे ज़्यादा इसी की डिमांड है, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। हमने मतलब अपने YouTube गियर्स में एक और चीज़ ऐड की है, तो अभी जो भी वीडियोज आएंगी वो इसी माइक से आएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो वीडियो आप सबको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर अच्छा सा कमेंट करें और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए सफ़र विद सैम को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।